आप एक आम आदमी नहीं रहे, अब आप आम इंसान नहीं है, आप एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। आपको थिंक लाइक अ एंटरप्रेन्योर, कैसे एक एंटरप्रेन्योर सोचता है। आप एक इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो आपको वैसे ही सोचना है, वैसा ही अपने सराउंडिंग माहौल बनाना है, वैसे ही काम करना है। अगर आप यहां से जाने के बाद कल से जिंदगी वैसे ही जीतने लग जाओगे, तो यहां आने का कोई भी अर्थ अरविंद जी नहीं निकलेगा। सहमत है? तो जब आप अपने घर पहुंचे, तो उन लोगों की अपने घर में तस्वीरें लगाएं जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। कोई तो होगा आपका रोल मॉडल? क्यों रेशमा जी, कौन है, किसको आप अपना रोल मॉडल मानते, किसके जैसा बनना चाहते, किससे इंस्पायर है? आप उसकी तस्वीर लगाइएगा। अगर आपको 10 लोग इंस्पायर करते हैं तो 10 लोगों की तस्वीर लगाइएगा। 100 लोग इंस्पायर करते हैं तो 100 लोगों की तस्वीर लगाइएगा, दीवार पे लिख दीजिएगा माय इंस्पिरेशन। आप भी एकलव्य जैसे हो जाओगे, क्योंकि आपको सामने वो लोग हमेशा होंगे जो आपको इंस्पायर करते हैं। राइट? आदमी कहता है फोटो लगाने से क्या होगा, जब तक कार्ड छपके बटते नहीं तब तक शादी कंफर्म नहीं मानी जाती। समझ रहे ना? इसलिए कार्ड छपना, दीवार में तस्वीरें लगना जरूरी है। आप लगा के देखिएगा चेंज होगा। एक हफ्ते के अंदर चेंज ना हो हटा देना, सोच लेना कि आदमी ने गलत आपको गाइड किया था। दूसरा, जो आप अपनी लाइफ में सोचते हो, जो पाना चाहते हो, उसको दीवार में लगा दो। प्रतिदिन देखो, सुबह सो के उठ के देखना, सोच बनाना कि मुझे इसके लिए काम करना है, मुझे इस लाइफ स्टाइल के लिए काम करना है, मुझे इस सक्सेस के लिए काम करना है, मुझे इस फेम के लिए काम करना है, मुझे ऐसी जिंदगी के लिए काम करना है। शाम को आना, फिर देखना कि मैंने आज इसके लिए क्या काम किया। अगर आप खुद से नजरें मिला सके, खुद से नजरें मिला सके कि हाँ आपने काम किया, देखना 30 दिन के अंदर आपको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका बिजनेस 30 तारीख को कितना हुआ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। और जो लोग 30 दिन काम करते हैं उनको 30 तारीख को करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप 30 दिन काम करोगे तो 30 को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके बिजनेस में हर महीने हो सकता 20-25% की ग्रोथ हो। ट्राई करिएगा, करके देखिएगा। राइट? इसके बाद जो सिस्टम कहता है 7 स्टेप, 7 स्टेप क्या है? 3rd क्या है? अपॉइंटमेंट, STP, सो द प्लान एंड प्रोडक्ट। 5वां, रीड ऑल बुक्स एंड बिजनेस सपोर्ट मटेरियल। अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग एंड सेमिनार। नेक्स्ट, रिपीट ऑल स्टेप डेली एंड फॉलो अप। राइट? ये सिस्टम है, यही सिस्टम आपको आगे लेकर जाएगा। प्रतिदिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसको ही फॉलो करना है। जब आप फॉलो करोगे, देखो मंकी सी मंकी डू, जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। अगर आपके घर में कोई भी इंसान आए और आपके बाथरूम के अंदर दूसरे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो इंसान क्या आपसे इंप्रेशन लेकर जाएगा? आप बताइए ना, क्या इंप्रेशन जाएगा? खुद यूज करते नहीं, हमको बता रहे हैं, भले कुछ भी ना कहें। तो आपको जो आप कर रहे हैं वो केवल ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं दूसरों से, आपकी पर्सनालिटी में खुद
नजर आना चाहिए। जिनके ग्रुप बड़े हो जाते हैं उनकी एक सोच हो जाती है, तुम जाके मीटिंग करो, मैं 5 लोगों के लिए नहीं जाऊंगा, मैं 2 लोगों के लिए नहीं जाऊंगा, मैं 20 लोगों के लिए नहीं जाऊंगा। एज ए लीडर आपको फ्रंट से लीड करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक बात जान लो, आप अपनी टीम के विराट कोहली हो, और जिस मैच में विराट कोहली नहीं चलता वो मैच इंडिया लगभग हार जाती है। जरूरी नहीं कि आप इतने भाग्यशाली हो कि आपको धोनी मिले हो, आपको रोहित शर्मा मिले हो, आपकी टीम इतनी मजबूत हो। आपको फ्रेंड्स में जाके प्ले करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम के व्यक्ति के साथ काम करना पड़ेगा, आपको उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। समझिए बात रोशन अली, समझ आ रहा? तो जाके लोगों को एस्टैब्लिश करना है, तभी आप लीडर कहलाओगे, अन्यथा आप लीडर नहीं कहलाओगे, अचीवर कहलाओगे। अगर आप 2019 और 20 का फाइनेंशियल ईयर अपनी जिंदगी का बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो मेरी बातों को बहुत सीरियसली सुन एडॉप्ट करिएगा अपनी जिंदगी में। मुझे पूरा भरोसा है अगर आपने जो बातें मैं बता रहा हूं यहां पे आप एडॉप्ट कर ले गए तो आपके साथ इस 20 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में हो सकता 20-25 क्राउन आए। आप यहां पे अगर आज 20,000 की आमदनी पे आए तो हो सकता आप 20 लाख रुपए की आमदनी पे अगले फाइनेंशियल ईयर में आए। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज फॉलो द सिस्टम। एक ही चीज दुनिया में है जो आपको आगे लेकर जा सकती है, वो है सिस्टम। जितना आप फॉलो करोगे उतना अप जाओगे, फॉलो अप, और जितना आप अप जाना चाहते हो उतना आपको फॉलो करना पड़ेगा। अपने आप से वादा करो और मेरे साथ बोलो, आई एम वॉरियर, आई विल चेंज माई सेल्फ एंड आई विल विन। I am the warrior. I will win. 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 I am the warrior. ये सिलसिला जो आज शुरू हुआ है, ये सिलसिला आपके जीवन के अंतिम क्षण तक आपके साथ रहना चाहिए। जब धीरू भाई अंबानी दुनिया छोड़ के गए थे तो कुछ लोगों ने कहा था कुछ इस तरह से चल नजीर कारवे के साथ, कुछ इस तरह से चल नजीर तू कारवे के साथ, जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। अगर आपने ये बात की अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो मैं वादा करता हूं बहुतेरे लोग हैं जिनकी कुंडलियां मरने के बाद भी काम कर रही हैं। Yes. दुनिया छोड़ के जाने के बाद भी काम कर रही और वो अमर है। वजह सिर्फ है कि उन्होंने वैसा वैसा काम किया। अगर आज आप ये सोच के जाते हो ना, ये हौसला लेके जाते हो और इस बात को अपनी जिंदगी में गंभीरता से डालते हो कि आई एम द वॉरियर आई विल विन, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी भी आगे आने वाले जनरेशन जनरेशन आपकी दास्ताएं लोग बताएंगे कि एक ऐसा इंसान था जिसने दुनिया बदल दी। आपके अंदर ये पावर है, आपके अंदर ये क्षमता है, ईश्वर ने आपको सबसे शक्तिशाली बनाकर इस कायनात में भेजा है। थैंक यू सो मच।